टीकमगढ़ पुलिस ने दो आरोपी पकड़े, एक कट्टा दो कारतूस जब्त। पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा जोन सागर के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक एवं SDOP निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब अग्नि अस्त्र अभियान हेतु थाना प्रभारी उप निरीक्षक बीरेंद्र सिंह पवार के दिशा निर्देशन में टीम का गठन किया गया था, जो पूर्व में फेसबुक पर आरोपी राहुल रैकवार द्वारा देसी कट्टे के साथ फोटो डाली गई थी, जिसको दिनांक 25/1/2021 को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 90/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया था। उसी क्रम में दिनांक 26/1/21 को आरोपी प्रकाश उर्फ छोटू पिता धर्मदास झा निवासी पुरानी टेहरी को अवैध देसी कट्टे तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 91/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए दिनांक 30/1/21 को जानकारी प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध कट्टा कारतूस लेकर वारदात करने की नियत से रेलवे स्टेशन टीकमगढ़ के पास घूम रहे हैं, जो तत्काल टीम गठित कर उसमें निरीक्षक रघुराज सिंह आदर्श मुनि कैलाश अरविंद्र मुकुल आरक्षक अनिल भुवनेश्वर आनंद के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिनके द्वारा रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी इकरार खान पिता इकबाल खान उम्र 24 साल निवासी बीड़ी कॉलोनी डोंगा टीकमगढ़ व ब्रजेश अयरवार पिता पृथ्वी सिंह उम्र 26 साल निवासी गल्ला मंडी के पास शिक्षक कॉलोनी विदिशा जिला विदिशा को एक 315 बोर देसी कट्टे एवं 315 बोर जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल के साथ अपराध क्रमांक 101/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया, जो आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ द्वारा लगातार अपराधियों की पकड़ और अपराध पर लगाम लगाने हेतु थाना प्रभारी को आदेश दिया जा रहा है। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और SDOP महोदय द्वारा इस संबंध में हम लोगों की रोज नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु हिदायत दी गई है। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले कोतवाली थाना स्टाफ ने फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति को अवैध रूप से शस्त्र लेकर चलते हुए पकड़ा गया था। उसी तारतम में हम लोगों ने आगे डेवलप किया। कल हमारे थाने के उप निरीक्षक रघुराज सिंह और इनकी टीम में शामिल आरक्षक हैं मुकुल, भानु, अनिल, आनंद, कैलाश, अरविंद। इन लोगों को सूचना मिली कि शहर में एक 70 नंबर की मोटरसाइकिल है, जिसमें दो व्यक्ति अवैध शस्त्र लेके शहर में कोई वारदात करने के से घूम रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने घेराबंदी की और रेलवे स्टेशन के पास से एक इकरार खान करके जो बड़ी कार्यालय का रहने वाला है और उसके साथ में मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ प्रिय शहरवार जो विदिशा का रहने वाला है, इनको पकड़ा, जिनके पास से 315 बोर्ड का कट्टा मैं जिंदा राउंड के मिला है, जिसमें हमने FIR धारा 25/27 आम सेक्टर में दर्ज की है। दो कारतूस इसमें एक कट्टा है और इनकी मोटरसाइकिल को भी हमने जब्त किया है और इस संबंध में हम आगे और विश्लेषण कर रहे हैं। आगे हो सकता है कि आपको और नए सुराग मिले। समय नहीं लगा, कानूनी समय के अनुसार जो 24 घंटे की अवधि रहती है उसमें हम आरोपी को पेश कर रहे हैं। कल दोपहर में इस व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा, FIR दर्ज की और चूंकि लिखा पढ़ी में भी काफ़ी समय लगता है, इस बीच में हम चाहते हैं कि मीडिया हमें सहयोग करे, लिखा पड़ी का हमें इतना पर्याप्त समय दे और बाइट देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। मीडिया को इस बात में कोई नाराजगी व्यक्त नहीं करना चाहिए। हमने अपने मोबाइल नंबर सभी जगह जहाँ जाते हैं वहाँ बांट के दिए हैं और आप लोगों से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आम व्यक्ति जैसे पुलिस सहयोग की जरूरत है उसे हमारा मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएँ। 24 घंटे हम उन लोगों